मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों अंकित शर्मा राजेश अग्रवाल एवं सतीश गुप्ता से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को अहंकार को जीवन के लिए घातक बताया। वहीं उन्होंने कहा कि जीवन में अहंकार सारी अच्छाइयों का नाश कर देता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अच्छी तरह से बनाई गई खीर में नींबू रस गिर जाने से खीर फट जाती है और बेकार हो जाती है, उसी प्रकार से सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी मनुष्य को यदि अहंकार हो जाए तो उसकी सारी अच्छाइयाँ बेकार हो जाती हैं। इस अवसर पर संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, विक्रम भसीन, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मानपानी, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अज मां बगलामुखी पितांबरा जी के दरबार जो कि गुलमोहर सिटी च स्थित है मां के इस भव्य मंदिर दे विच अज सवेर तो ही जिहड़ा श्रद्धालुआं दा तांता सीगा वह ठांठा मारदा होया पहुंचिया और इन्नी पर ठंड दे विच भी सर्दी दे विच भी जिन्हें श्रद्धालु महामाई के दरबार से आए हैं यह सब महामाई का आशीर्वाद है और लगातार इन्हां दे विच वृद्धि हो रही है। मैं एक बार ये रिक्वेस्ट सारे भगतों नूं करनी चाहना कि साढ़े कोई वी आई पी साधन नहीं हैगा किसी भी सीट के लिए। 7 बजे हवन यज्ञ हुंदा है, 6:30 बजे तक ऑलमोस्ट सारे जिहड़े सीटां फुल हो जांदियां। प्लीज़ अपने टाइम से रहो तां जो तुहानूं तुहाडे मन माफिक सीट या तुहानूं कोई बैठन की व्यवस्था प्रॉपर तरीके नाल हो सके। अदरवाइज पिछे खुला हॉल है, उहदे विच हवन यज्ञ ते जिहड़े हवन संगत बह जांदी है कुंड दे उत्ते उस तो बाद जो ज्यादा हो जाती है फिर पिछे बिठाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए सारे समय अनुसार पहुंचो ते महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 25 तरीक दिन रविवार नूं सवेरे 9 बजे तो 12 बजे तक एक विशाल संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ जिहड़ा कि इस साल का आखिरी हवन यज्ञ होएगा वह होने जा रहा है। उस दे विच महामाई की कृपा दे नाल किसे नूं भी किसे तरह का कोई कष्ट होवे ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਮਾਂ ਪਿਤਾਂਬਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਰਾਸਲੀਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਵਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फिर भी थोड़ा कोई लेट फेट होवे उहदे लई माफी हैगी है। और लगातार ऐदां ही तुहाडा सारिआं दा प्यार स्नेह और महामई दा आशीर्वाद मिलदा रहेगा। इस भाव दे नाल जय माता दी। Om Namah Shivaya।